Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome back to Elasticity. After a long time, finally I am here because I was missing YouTube and you people a lot. तो काफ़ी टाइम से मैं कहती थी कि यार ब्लॉग बनाना चाहिए, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी. पर अल्हम्दुलिल्लाह रात को इतनी बारिश हुई है, इतने मज़े की चांद रात थी, मतलब सही मज़े का लग रहा था, कोई गर्मी नहीं थी और सही आराम से. और मुझे इतना सुकून हो गया था कि आराम से कल तैयार हो जाऊँगी, आराम से ईद का ड्रेस भी पहन सकती हूँ, कोई गर्मी भी नहीं लगेगी. और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा मौसम है. एंड बाय द वे, मैंने रात को आना था, लाइक चांद रात का मैंने ब्लॉग शूट करना था और आना था और अपना शॉपिंग हॉल करना था और आप लोगों को दिखाना था कि इस ईद पर मैंने क्या लिया है और कैसे ड्रेसेस हैं, क्या एक्सेसरीज हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ सकी बिकॉज मुझे लगानी थी मेहंदी और इस दफ़ा मैंने मेहंदी खुद लगाई है, किसी से भी नहीं लगवाई. सो यू कैन सी ये मैंने खुद लगाई है. नाइस ना, सेम माशाल्लाह. एंड यू नो व्हाट, ये मेरा राइट हैंड है और इस राइट हैंड के ऊपर मैंने अपने लेफ्ट हैंड के साथ मेहंदी लगाई है. सो कैन यू स्पॉट द आर्टिस्ट. इन टाइम मेहंदी भी लग गई है और सुकून से अब मैं रेडी भी हो जाऊंगी. और रेडी होने से पहले मैं आपको आज का ड्रेस बता देती हूँ, बिकॉज ज़्यादा तो मैं डिटेल में अब नहीं जा सकती बिकॉज इट्स ऑलरेडी ईद. एंड ओ माई गॉड, ईद मुबारक एवरीबॉडी. लाइक मैंने ईद मुबारक तो बोला ही नहीं, आज ईद है. तो जनाब ईद का दिन स्टार्ट हो चुका है. सबसे मैं नीचे मिली हूँ बिकॉज थोड़ा सा लेट उठी थी, क्योंकि रात को लेट तक जागती रही थी और ये मेहंदी लगाती रही थी. तो अब मैं ऊपर आई हूँ रेडी होने के लिए. और आज का जो मेरा ड्रेस है वो है दिस वन. यस, जिंक कलर में आज का मेरा ड्रेस है और ये मैंने कलर पहले कभी भी नहीं पहना एंड आई लाइक इट सो मच. एंड दिस इज़ बेसिकली ए लॉन्ग फ्रॉक और इसको मैं डिटेल में अभी आपको दिखाती हूँ बिकॉज यहाँ पे तो कैमरा में इस तरह से नहीं आएगा, तो मैं फ्लिप करके कैमरा आपको दिखाती हूँ. गाइस, तो ये है जनाब ड्रेस. यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर चेंज आ रहा है, वरना ये बहुत ही प्यारा कलर है, जिंक कलर है. और ये एक बेसिकली लॉन्ग फ्रॉक है और यहाँ पे इसके वर्क हुआ हुआ है, बहुत ही प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा. और इसी तरह इसकी जो स्लीव्स है उसके ऊपर भी यहाँ पे वर्क हुआ हुआ है, यू कैन सी. और बाकी ये सिंपल है. यहाँ पे इसकी नॉट लगाने के लिए बेल्ट टाइप बनाया गया है और ये बेसिकली ओपन गाउन स्टाइल में है, यू कैन सी. और मुझे इतना अच्छा लगा था, ये मैंने लिया है शापोश से. और जैसे ही मैं इंटर हुई थी ना और इस पे मेरी नज़र पड़ी थी और इसके बाद मैंने कहा कि मुझे यही लेना है. द ब्यूटीफुल दुपट्टा, आई लव्ड इट सो मच. जिंक और रस्ट कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना, दिस इज मैजिकल. और ये साथ में है जनाब इसकी कैप्री. And these are the जूताज, I loved its heel. बहुत मज़े की ग्लास हील है. और ये जो इसके ऊपर मोटिव्स लगे हुए हैं ना, ये इसके जो एम्ब्रॉयड्री है इसके साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, इसलिए ये मैंने लिया है. वरना मैं कोर्ट शूज़ सोच रही थी कोर्ट शूज़ लेने का, लेकिन वो मुझे मिल नहीं सके. तो इन पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा चलो यार ये भी अच्छा लगेगा. सो दिस इज़ द होल थिंग दैट आई हैव टू पुट ऑन टूडे. सो दिस वॉज माई ईद डे वन आउटफिट. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. आई एम सो एक्साइटेड टू वेयर इट. तो जल्दी से मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ. और आज मैं गेट रेडी विद मी नहीं करने वाली, और वो इस वजह से कि मुझे पंखा बंद करना पड़ेगा अगर मैंने गेट रेडी विद मी किया, बिकॉज पता है ना आवाज़ का प्रॉब्लम होता है. तो आवाज़ की क्लैरिटी के लिए मुझे पंखा बंद करना पड़ता है, जैसा कि मैंने अभी किया हुआ है. और इस तरह से अगर मैंने मेकअप किया तो मैं मेल्ट हो जाऊँगी. लाइक मौसम आज अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं अच्छा कि मैं मेकअप जो है वो पंखे के बगैर करूँ. सो आई डिसाइडेड कि मैं जल्दी से एक क्विक सी ट्रांजिशन करूंगी और आप बोलेंगे 1 2 3 और मैं बिल्कुल रेडी होके आ जाऊंगी. चेक करना. ये तड़ा. सो गाइज, आई एम कम्प्लीटली रेडी. एंड काश ये जितना क्विक ट्रांजिशन मैंने आप लोगों को दिखाया है इतना क्विक ये क्रिएट करना होता लुक, बट ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगा है. और यू कैन सी कि मैं ना इस वक्त मेल्ट हो रही हूँ, बट ईद है तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, राइट? तो अभी मैं आपको क्लोजअप में सारा दिखाती हूँ क्या डिटेलिंग्स है, किस तरह से मैं रेडी हुई हूँ. सारा ड्रेस का भी प्रॉपर दिखाऊंगी, नेल पेंट भी मैंने लगा लिया है, रिंग्स बस रह गई हैं पहननी. Thank you.
वॉज माई लुक. और आई होप आप लोगों को अच्छी भी लगी हो. अब मैं नीचे जाऊँगी, खाना खाऊँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और बन रहे हैं मेरी पसंद के, मेरी फरमाइश पे टिक्के. टिक्का कढ़ाई बन रही है जनाब और उसके साथ हम करेंगे कोला शोलास की पार्टी और बहुत मज़ा आने वाला है. मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी भी, इतने मज़े की यमी यमी सी खुशबू भी आ रही है. तकरीबन बन चुका है. नीचे जाते हैं, देखते हैं वो कैसा है, वो खाते हैं. उसके बाद हमने जाना है दादू के घर. हाँ, मैं तो रेडी हो गई हूँ लेकिन मीरू अभी तक रेडी नहीं हुई, तो उसको भी रेडी करना है. सो बहुत सारे काम है, साथ साथ करते हैं. कम विद मी. मेरी प्यारी प्यारी गॉर्जियस सी भाभीज भी बिल्कुल रेडी है. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उनका आउटफिट. बड़ा इन्होंने मेहनत की है जनाब, दिखाना बनता है. वाह, वेरी नाइस गॉड. वाह मीरू, यू लुकिंग गॉर्जियस. ओ माय गॉड, यू लुकिंग गॉर्जियस. हेलो, से हाय. Wow, Miral, you're looking nice. Miral, hi. Hi. Say hi. Hello. Aram से hello. Okay, fine. हमारे घर के बच्चे बहुत ज़्यादा शरीफ हैं. मेरी. Hi. Eid Mubarak. You have a nice bell. मूड अच्छा नहीं है. शाम के टाइम मेरे अंदर का जो जंक फूड खाने वाला जानवर है वो जाग जाता है. तो इस वक्त मेरा बहुत दिल कर रहा था कि हम कुछ मज़े का जंक खाएं और इस साजिश में मैंने शामिल किया अपनी दोनों भाभियों को भी और हम निकल पड़े जनाब जंक की तलाश में. बड़ी मुश्किलों से वी गॉट अ प्लेस कि जहाँ पे हम अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर सकते थे, वरना बाकी सब तो क्लोज था. We had some quality time out there और cravings भी satisfy हो गई थी, but the food was 7/10. राइट जनाब, तो हम वापस आ चुके हैं और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत अच्छी ईद गुजरी है, मज़ा आ गया. लाइक इसी को ईद बोलते हैं. एक प्रॉब्लम हुई है कि मैंने ना ज़्यादा पिक्चर्स नहीं बनाई इस आउटफिट में और मुझे इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं इस आउटफिट पे और मुझे ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगा है, बट मैंने पिक्चर्स नहीं बनाई, इस बात का अफसोस है. बट चलो, व्लॉग तो बना लिया ना, तो जिस जिसने मुझे देखना है वो व्लॉग में देख ले, है ना. दिस इज़ फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको मेरी पिक्चर्स चाहिए होती हैं ईद पर. तो जनाब इस दफ़ा ईद पर पिक्चर्स नहीं है, आपको व्लॉग देखना पड़ेगा. ऑलराइट, और बस अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और आज शदीद किस्म की गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी थी और बस मेरी जान निकल रही है. लेकिन मैंने कहा नहीं, व्लॉग पहले एंड करना है. और व्लॉग को एंड करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आज पूरे दिन मामा हमें नज़र नहीं आई है ना, और मैंने कहा था कि व्लॉग एंड करने से पहले मैंने मामा को लाजमी दिखाना है. तो जनाब मामा आ चुकी हैं, तो आए ज़रा उनसे शिकवे शिकायत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मॉम जी. वालेकुम सलाम. हाय. आपने आज पूरा दिन हमें कोई लिफ्ट नहीं दी, ना आप मेरे व्लॉग में आई हैं, ना आपने कोई बात की है, ये क्या तरीका है भाई. मैं आज बहुत बिजी थी, बहुत सारा दिन बिजी रही हूँ,
थक के चूर हो गई हूँ। सबके साथ मैंने वीडियोस बनाई हैं, मामा बहुत ज़्यादा जो है बिजी थी और मैं बार बार उन्हें कह रही थी और वो कह रही थी अभी करती हूँ अभी करती हूँ, और ऊपर से आज हम पिज़्ज़ा खाने गए हैं और फर्स्ट टाइम मामा के साथ नहीं गए, तो मैंने मामा को बहुत ज़्यादा मिस किया वहाँ पे। और तब भी मामा यही कह रही थी कि नहीं मुझे घर पर काम है, आप लोग जाओ, तो हम भाभी और हम लोग ही गए थे। तो खैर मामा मैं आपके लिए पिज़्ज़ा लेके आई हूँ। ओके तो जनाब मेरी मामा आज बहुत प्यारी लग रही है, इतने प्यारे पर्पल ड्रेस में, और मैं अभी आपको इनका फुल आउटफिट भी दिखाती हूँ और आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, बिकॉज़ पता है ये बीमार हो जाती हैं, अभी ये इतनी ज़्यादा बीमार हुई हुई थी और अभी ईद से एक दो दिन पहले ये बिल्कुल अभी ज़रा ठीक हुई हैं, वरना इनको बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म का टेम्परेचर था 105 का और ऊपर से बहुत बहुत मसले चल रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे कुछ भी ना मेरे ब्लॉग में तो आपने माशाल्लाह बोलनी है। ठीक है तो अभी सबसे पहले मामा के ड्रेस दिखाते हैं। मामा कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है ना, है ना, कितना प्यारा कलर है। दिस इज़ माई मॉम्जीज होल ड्रेस, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और मैं इनको कॉम्प्लीमेंट भी किया था और मैं चाह रही थी कि व्लॉग में लाजमी आए, तो फाइनली व्लॉग में आ गया है। अभी काफ़ी रात हो गई है तो अभी ये भी चेंज करेंगी और मैं भी चेंज करूँगी। सो गाइज दिस इज़ अ रैप, सब कुछ बता दिया, हाइलाइट्स भी दिखा दी, देखी स्नीक पीक भी दे दी, मामा को भी दिखा दिया, अपना ड्रेस भी दिखाया, सब कुछ बता दिया। तो अब ईद का डे वन ख़त्म, बिकॉज बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आधी रात होने को है यार और अभी तक ड्रेस मैंने पहना हुआ है। लाइक बींग अलीना इज़ सो टफ लिटरली। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर दें, और अगर आपने किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो नीचे आपको सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है ना, इसको आप दबा दें तो ये कलरलेस हो जाएगा और ये सब्सक्राइब हो जाएगा, और सब्सक्राइब होने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आएगी तो वो आपको टाइमली मिल जाया करेगी, राइट। तो अभी के लिए मैं चेंज करती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, इस वीडियो को एडिट करती हूँ और फिर अपलोड कर दूंगी, और इंशाल्लाह मिलेंगे कल यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मेरी डिटर्मिनेशन बहुत हाई है कि हर साल की दफ़ा इस दफ़ा भी मैं तीनों दिन व्लॉगिंग करूँगी, यस इंशाल्लाह। तो अल्लाह करे कल वाला दिन भी आज की तरह बहुत अच्छा गुजरे। मेरी तरफ़ से आप सबको अगेन ईद मुबारक, खुशियाँ बांटें, एक दूसरे से प्यार करें, नफ़रतों को भूल जाएँ, और हैप्पी ईद, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।